बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर हैं। गुजरात के सीएम अशोक गहलोत का गुजरात का दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण। 27 और 28 नवंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय ये पूरा दौरा है। 27 नवंबर को चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 28 नवंबर को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महसाणा में भी चुनावी सभा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम, गुजरात का रहने वाला है। गुजरात के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 1 और 5 दिसंबर को। 2 चरणों में गुजरात में विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाला जाएगा। ऐसे में पहले चरण के प्रचार प्रसार के लिए वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है। यही है कि पूरी ताकत सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी हुई है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर जाएंगे और वहां पर जाकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। इससे पहले भी कई बार दौरे किए जा चुके हैं अशोक गहलोत की तरफ से गुजरात के। हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव हुए, हिमाचल के दौरे पर भी अशोक गहलोत रहे थे। और अब गुजरात का दौरा रहने वाला है अशोक गहलोत का। 27 और 28 नवंबर, 2 दिन, कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ज्यादा डिटेल्स के साथ दिनेश डांगी जुड़ गए हमारे संवाददाता। दिनेश, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात का? गुजरात दौरे पर है, थोड़ी देर बाद वो गांधीधाम पहुंचेंगे, वहां उनकी पब्लिक मीटिंग है। तो कल और परसों यानी 27 और 28 नवंबर को भी सीएम अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर रहेंगे। 28 नवंबर को सीएम गहलोत अहमदाबाद में सुबह मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा महसाणा और कच्छ और अन्य जगह चुनावी सभा करेंगे। सीनियर पर्यवेक्षक अशोक गहलोत को गुजरात का बनाया है और अब वहां चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पूरी तरह से परवान पर है। तो कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार सभाएं कर रहे हैं। कल भी अहमदाबाद में दरियापुर विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया था और इसके अलावा 2 दिन और उनकी पब्लिक मीटिंग जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है, चूंकि दिनेश 2 चरणों में चुनाव होंगे गुजरात में विधानसभा के। 1 और 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 1 तारीख को पहले चरण के लिए। समय बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं बचा है। ऐसे में पूरी कोशिश जाहिर है ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाया जाए, उनसे मुलाकात की जाए। क्या गुजरात में राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कोई और भी गया है प्रचार प्रसार के लिए? जी बिल्कुल, करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों और विधायकों को अलग अलग विधानसभा वाइज जिले वाइज उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और सभी मंत्रियों और विधायकों ने वहां पर डेरा डाल रखा है। 1 दिसंबर से 2 दिन पहले प्रचार समाप्त हो जाएगा, फिर बाहरी व्यक्ति को उस राज्य को इलेक्शन कमीशन के जो कोड है उसके तहत छोड़ना होता है आचार संहिता के तहत। तो पूरी तरह से वहां पर डेरा डाले हुए, जिम्मेदारी संभाल रखी है। बिल्कुल, तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ना सिर्फ बल्कि राजस्थान से और भी जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो गुजरात में मौजूद हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस पर जानकारी देने के लिए।